गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो बेसिकली है अबाउट अमेजिंग अमेजॉन फाइंड्स अंडर 500 रुपीज, जो मैं आपके लिए चुन चुन के लेके आई हूँ। मैंने खुद ट्राई किए हैं, बहुत दिनों तक ट्राई किए, एंड फाइनली आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज। जस्ट तो आप अपके पॉकेट पे ज्यादा खर्चा ना करो, 500 के अंदर ही सारी चीजें आपको मिल जाने वाली है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि प्राइम डे सेल चल रहा है, लाइव हो चुका है, जो इंडिया का बिगेस्ट सेल है। बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है इस टाइम पे अमेजोन पे आप लोगों को, तो आप लोग मेरे से भी कम प्राइस में इन चीजों को हासिल कर सकते हो। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज, एंड बहुत ही बढ़िया चीजें होने वाली है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, आपको मेरे गालों पे दिख रहा है क्या, पिंकी पिंकी शाइन अंडर लाइक ग्लो ऐसा थोड़ा सा, वो उस प्रोडक्ट की वजह से है। एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। बस उसके एक ही निगेटिव बात है जो आपको मेरे हाथों पे दिख रही है, वो है वो कलर छोड़ता है हाथों पे यार। सो कोई नहीं, मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। दिस इज द रेने स्लश, समर स्लश। दिस इज अ लाइक जेली काइंड ऑफ टेक्सचर है इसका, एंड इसके अंदर मतलब ना इसे बहुत ही प्रिटी सा लाइक आप देखोगे ना तो खाने का मन कर जाएगा। कोई भी बेबी भी देखेगा ना उसको खाने का मन कर जाएगा कि ये जेली तो नहीं है, लाइक उसका टेक्सचर एकदम जेली टाइप है। ओ माय गॉड, और कलर इतना प्रिटी है। सो ये बेसिकली क्या करता है ना, ब्लश की जैसे काम करता है, लेकिन एग्जैक्ट ब्लश नहीं है ये, बस आपको लाइक ऐसे अंदर से जैसे ग्लो आता है ना वैसे वाला फील देने वाला है। प्लस अगर आप इसको लिप्स पे लगाओगे तो बहुत ही जैसा कोरियन टाइप लिप्स लगते हैं ना, बीच में पिंक ऐसे रेडिश एंड साइड से पिंक, वैसे टाइप के लिप्स आपके लगने वाले हैं। तो मैं ऑलरेडी लिपस्टिक लगा चुकी हूँ, लेकिन मैं उस पर लगा रही हूँ जस्ट टू शो यू गाइज। एंड ऑल्सो वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा जब मैं आपके लिए ट्राई कर रही थी, सो लुक एट द कलर, सो प्रिटी। जस्ट एक ही ड्रॉबैक है ये, अदरवाइज आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। और मुझे ना ऐसे खाने का मन कर जाता है, कितना प्रिटी है। बस इतना ही कि ना यार ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता ये, बट इट्स ओके थोड़ा सा नेचुरल ग्लो फेस पे लाने के लिए, एंड थोड़ा सा पिंकी पोंकी इफेक्ट आपको दे देता है। सो दैट वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। एंड इस प्रोडक्ट के पीछे आजकल सारे लोग ही पागल हो चुके हैं, सारे लोग इसको प्रमोट किए जा रहे हैं, एंड बहुत ही वायरल हुआ है। सो मैंने सोचा यार मैं भी आप लोगों के लिए ट्राई करती हूँ, एंड आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ इसका। सो बेसिकली क्या होता है ना, ये हाइलुरोनिक एसिड आपके जो दाग धब्बे है उसको थोड़ा सा लाइट करने में हेल्प करता है मतलब ऐसे कर देता है। एंड प्लस आपके स्किन को इमेंस लेवल का हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं इसको एक या डेढ़ हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ, एवरी डे आई एम यूजिंग इट, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट टिल नाउ। मतलब मैंने अभी तक डार्क धब्बों का इतना सोचा नहीं है, बट जिस लेवल का ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ना उस हिसाब से दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट। एंड ये आपको इतना नहीं लगता, बस एक पंप उसमें से ले लो, अपने फेस पे लगा लो। एंड इसको लगाने का भी तरीका है गाइज बाय द वे, बिकॉज बहुत सारे लोग ये नहीं बताते कि इसको कैसे लगाया जाता है। बस फेस ड्राई हो तो आप इसको नहीं लगा सकते हो, तो फेस थोड़ा सा डैम्प होना चाहिए, या तो थोड़ा सा पानी आपने फेस पे छिड़क लीजिए, या फिर थर्मल वाटर आपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए और फिर उसको अप्लाई करो। बिकॉज ये क्या करता है ना, वाटर से भी ज्यादा हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करता है, तो इसको हाइड्रेशन को लॉक करने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपको फ्लैश कर देना है वाटर, एंड देन यू अप्लाई इट, एंड देन लुक एट द रिजल्ट, बहुत ही प्रिटी सा ग्लो आने वाला है। मैं स्पेशल इसको नाइट टाइम में यूज कर रही हूँ, डे टाइम में मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है, बट मैंने नाइट टाइम स्किन केयर में ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर दिया है। सो दिस गेट थम्स अप फ्रॉम माई साइड, एंड डेफिनेटली आफ्टर 3-4 वीक्स अगर मुझे लगता है कि इट इज हेल्पिंग रिड्यूसिंग माई एक्ने मार्क्स एंड ऑल द अदर प्रॉब्लम, जैसे फाइन लाइन्स एंड ऑल बहुत कुछ क्लेम किया गया है इस पे, अगर ऐसे होता है तो आई विल डेफिनेटली मेक अ प्रॉपर रिव्यू वीडियो अबाउट दिस प्रोडक्ट। बट अभी तक के लिए मतलब अच्छा है,
नाइस। सो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट करना। जो प्रोडक्ट है वो मैं अपने होठों पे ऑलरेडी लगा चुकी हूँ एंड दैट इज ऑल्सो वायरल प्रोडक्ट, मतलब जो सब खरीदते हैं ना मैं भी आपके लिए खरीद रही हूँ एंड आपको रिव्यू दे रही हूँ एकदम ऑनेस्ट। बिल्कुल भी इसमें कुछ भी पेड कोलैबोरेशन एंड ऑल कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, बट मुझे ट्राई करना था तो मैंने ट्राई किया। दिस इज मेबलिन सुपर से ग्लॉसी वाला लिपस्टिक। आपने बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को इसको प्रमोट करते हुए देखा होगा। तो एक्चुअली इसको कैसे यूज करते हैं ना, इसको ऐसे 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 करना है, आपको आवाज भी आ रही होगी, एंड देन इसको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आप इसको अपने लिप्स पे अप्लाई कर लो प्रॉपरली ऐसे ऐसे करने के बाद, एंड देन आपको ऐसे, हम ऐसे करते हैं ना, वैसे नहीं करना है, इसको ड्राई होने देना है, देन इट बिकम्स रियली रियली ट्रांसफर प्रूफ और बहुत अच्छे से स्टे कर जाती है। इसमें मेरा शेड है 10 लिपी और बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, मुझे बहुत ही अच्छा सा मॉव काइंड ऑफ शेड लगा, तो ये एवरीडे यूज में आ सकता है। एंड आप कुछ खाते भी हो ना तो ये निकलती नहीं है, काफी हद तक ये स्टे करती है, 24 आवर्स बोला गया है, बट आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया प्रॉपरली, बट जितने भी घंटे मैंने लगाया लाइक 7-8 आवर्स ये बहुत अच्छे से मतलब स्टे कर गई है। और इसका एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन ये है ना कि इसमें लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, आपको मैट इफेक्ट मिलता है आफ्टर सम टाइम, बट पहले इसको ग्लॉसी इफेक्ट आपके फेस को, अपने लिप्स को मिल जाता है, एंड दैट इज अ प्लस पॉइंट। बहुत ही ग्लॉसी प्लम्पी लिप्स लगते हैं आपके ये लगाने के बाद। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, यू कैन बाय इट। गर्मी हो रही है सो आई विल जस्ट मतलब मेरी पोनीटेल बांध दूंगी मैं, एंड देन आई विल टॉक टू यू गाइस, बिकॉज गर्मी में तो बात करने से हो रहा है मेरे से यार, फैन भी नहीं लगा सकती ना यार। सो ये थोड़े थोड़े बाल छूट गए हैं मेरे, बट नेवर माइंड, गुड, मुझे लग रहा है अभी मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ बाय द वे। सो या मेरे फेस पे एक्चुअली कुछ भी मेकअप नहीं है एक्सेप्ट दैट स्लैश, मतलब जो जेली मैंने लगाई है अपने फेस पे एंड लिपस्टिक, नथिंग एल्स। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, लुक एट द पैकेजिंग, हाउ क्यूट इट इज। सो बिग लिप्स जो मेरे नहीं है एंड आई रियली वांटेड, मतलब सबको पसंद होते हैं, एंड आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ परफ्यूम, मतलब इसका स्मेल ना बिल्कुल, अगर आपने वो अजमल का परफ्यूम यूज किया है ना, उस टाइप का स्मेल है इसमें। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स है बाय द वे, ये थोड़ा सा ब्लैक करंट टाइप एंड फ्लोरल टाइप, थोड़ा सा मतलब हल्का सा उसमें है, उसके टॉप नोट्स एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप चेकआउट कर देना। मुझे तो ये शेप की वजह से पहले अच्छा लगा ही लगा, देन इसका स्मेल इतना अच्छा है एंड बहुत ही प्यारा स्मेल है, आप ये जरूर ट्राई करना ये वाला फ्रेग्रेंस, एंड फॉर पैकेजिंग ऑल्सो लुक, अगर आप क्रिएटर भी हो तो पीछे से रख सकते हो बैकग्राउंड में, बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। लुक एट द पैकेजिंग यार, आई एम ऑलरेडी अ फैन। और इसमें रेड कलर वाले लिप्स एंड दूसरे कलर वाले, मैंने पर्पल वाला चूज किया बट बहुत सारे अवेलेबल है। दिस इज ऑल्सो अंडर 500 रुपीज, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप फ्रेग्रेंस के दीवाने हो एंड यू रियली लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर फ्रेग्रेंसेस, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार ट्राई करना। ये अराउंड 4-5 आवर्स स्टे कर जाता है, क्योंकि मैं इसको बहुत दिनों से यूज करी हूँ, ऑलमोस्ट अभी खत्म होने को लिए आया है। सो आई विल डेफिनेटली रीपर्चेस इट, मे बी सेकेंड वेरियंट और अनादर वेरियंट इसमें कुछ जो भी अवेलेबल है वो मैं ट्राई करूंगी, बट दिस इज चुम्बेश्वरी, वेरी नाइस। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है बहुत ही रैंडम सा है, ऐसे ही अमेजोन पे स्क्रोल करते करते ना मुझे ये प्रोडक्ट दिख गया। दिस इज टीथ वाइटनिंग पेन, और मैंने पहले कभी ऐसे सुना भी नहीं था कि ऐसे कोई पेन आता है, बट या मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ, देखती हूँ इसका रिजल्ट क्या मिलता है। यार मैंने 2-3 बार इसको ट्राई किया भी है, मुझे अभी तक ये अच्छा लगा है, बिकॉज थोड़ा सा आपको इफेक्ट तो दिखता है आफ्टर फर्स्ट यूज ओनली, बट मेरे को ना इस पर प्रॉपर रिव्यू करना है, मे बी मैं इस पर एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर टाइप वाला, सो इसीलिए इसके बारे में इतनी बात नहीं कर रही हूँ अभी। बट अगर मतलब मैं अभी तक 2 बार यूज कर चुकी हूँ, तो उसमें अगर मुझे अच्छा लगा है ना प्रोडक्ट, तो इट जेन्युइनली अच्छा हो सकता है। सो ये पेन टाइप में आता है, दिस इज फ्रॉम द डे ब्रेक टीथ वाइटनिंग पेन, और ये ऐसे टाइप का, वो जो मेबलिन का कंसीलर आता था ना पहले, अभी भी आता होगा शायद, सो उसमें जैसा होता है, और ऐसे ट्विस्ट करके आपको यहाँ पे जेल निकलता हुआ दिखेगा। लुक एट द जेल, दिखाती हूँ हाथ में, सो ऐसे टाइप का जेल इसमें से निकलता है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप जब ब्रश करते हो सुबह में, उसके बाद आपके टीथ को आपको
पेपर टॉवल या किसी से भी वाइप कर लेना है, मतलब ड्राई कर लेना है इन शॉर्ट, एंड देन इसमें से ब्रश में से वो जेल निकलेगा ये वाला. सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई ऑन योर टीथ, गम्स पे नहीं करना है, एंड कीप इट फॉर 30 मिनट्स. मतलब इसके ऊपर आपको कुछ खाना एंड ऑल नहीं है, 30 मिनट्स तक ऐसे ही रखना है, एंड देन फिर गागल करके वॉश कर देना है, दैट्स इट. एंड यू विल सी डिफरेंस, मतलब बहुत मेजर नहीं, पर आपको समझ में आ जाएगा कि दिस एक्चुअली वर्क्स. ये बहुत सारे अलग कंपनीज के भी आते हैं, बट मैंने ये वाला ट्राई किया और आपको भी ये अंडर 500 मिल जाएगा. सो यू आर समवन हु इज बेसिकली इन ओरल हेल्थ एंड बहुत ज़्यादा कंसर्न हो पर्सनल हाइजीन को लेके, तो ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो. प्रोडक्ट है वो अगेन बहुत ज्यादा वायरल गया है. मेरे इसके लिए डिफरेंट ओपिनियंस है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. सो ये है मेबलिन का टैटू ब्राउ 3 डे स्टाइलिंग जेल. सो डेफिनेटली ये ब्राउ जेल है, जो बोलता है वो करता है. अराउंड 2 डेज तक आपके ब्राउज पे ये नजर आएगा, बट 3 डेज तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये क्लेम करते हैं 3 डेज तक, एंड मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाया था. सो ये ना आप लगाते हुए बहुत ही केयरफुल रहना. पहली बात तो इसका ऐसा वॉन्ड आता है एंड इस पर बहुत सारा जेल लग के आ जाता है. मैंने डार्क ब्राउन शेड में लिया है, और भी शेड्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर आईब्रो कलर. आप ऐसे ले सकते हो जेल, तो इसको पहले आप तो थोड़ा सा वाइप अप कर लो और यहां से स्टार्ट करो. डोंट स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट, मतलब ऐसे सामने से स्टार्ट मत करो, क्योंकि इतना प्रोडक्ट लग जाएगा ना, फिर आप चिनचैंग आईब्रो वाले बन जाओगे, या जो बकासुर वाली आईब्रोज होती है ना वैसे वाले बन जाओगे, बहुत ही ब्लैक ब्लैक हो जाएगा. सो बस ये आपको लगाना है, देन आप अगर इसको टिश्यू से भी वाइप कर रहे हो ना, सो ये नहीं निकलेगा 2 डेज तक, बिलीव मी. फेस वॉश भी करते हो फेस वॉश से तो भी ये नहीं निकलता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है. मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, लगाना भी बहुत आसान है. बस ये टिप्स आप याद रखना कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, नॉट फ्रॉम हियर, दैट्स इट. और आपको पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, एक दो बार ऐसे लगेगा कि यार क्या ही आईब्रोज बन गए हैं. जिनके आईब्रोज बहुत थिन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ये आपके आईब्रोज के कलर के जैसा ही हो जाता है. ऐसा नहीं लगता कि आपने ऐसी पेंसिल लगाई है, आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, बहुत ही नेचुरल लगता है. और एक यूज के लिए मैं इसको यूज करती हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा वाइट बाल है, दिख रहा है या नहीं आई डोंट नो. सो वाइट बाल है, उस पर भी मैं ऐसे कभी कभी लगा देती हूँ जब वो बहुत ही पॉपअप करने लगता है. सो ये लगाने के बाद वो चला जाता है, मुझे कुछ और करना नहीं पड़ता, और 3 डेज तक तो वैसे भी स्टे करता है, राइट, तो कहीं नहीं जाने वाला. सो ये अनदर यूज है इसका. सो ये था मेरा रिव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही अमेजोन पे स्क्रोल करते करते मुझे दिख गया, और आप लोगों को पता ही है मुझे लाइक ऐसे प्लम्पी वाले लिप्स बहुत पसंद आते हैं, या तो ऑलरेडी नेचुरली वैसे हो, या हम अगर उसको बना सकते हैं तो वाई नॉट. सो इसीलिए मैंने वो प्रोडक्ट लिया है. दिस इज फ्रॉम द टिप्सी ब्यूटी क्रिस्टल क्रश रोज क्वार्ट्ज शेड है इसका, आई थिंक सो, एंड प्लम्पिंग लिप ग्लॉस है ये. दिस इज नॉट द लिपस्टिक, लुक एट द पैकेजिंग फर्स्ट, हाउ प्रिटी, हाउ क्यूट. आज के सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत क्यूट लगे पैकेजिंग के वाइज, सो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एंड लुक एट द कलर, ये लिप ग्लॉस है बेसिकली. सो ये क्या करता है ना, आप जब लिप्स पे लगाते हो तो आपके अंदर ऐसे सेंसेशन आपको फील होगा, मीठा मीठा सा प्यारा प्यारा सा दर्द, नॉट दैट अनबेरेबल वाला दर्द, थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि अंदर कुछ हो रहा है लिप्स पे, थोड़ा सा प्लम्पी इफेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा नहीं. क्योंकि मैंने बाकी कोई प्लम्पिंग इफेक्ट वाले लिप ग्लॉसेस यूज नहीं किए, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. अगर आपने बहुत ही हाई हैंड वाला अच्छा वाला यूज कर लिया होगा तो आपको इतना इफेक्ट नहीं लगेगा इसका, आई थिंक सो, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था. बट इसका ना ये रहता नहीं है यार ज़्यादा देर तक, लाइक 1 घंटा या 2 घंटा रहता है बस, यही इसका ड्रॉबैक है. बट आई रियली लाइक इट यार, जब मैं इसको लगाती हूँ सो माई लिप फील सो लाइक ऐसे ठंडा ठंडा सा वाइब आता है ना, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता. कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि लिप प्लम्पर से लाइक थोड़ा सा दर्द हो, दर्द मीन्स ऐसे जलता है थोड़ा सा, बट इससे ऐसा वाला फीलिंग नहीं आता, मुझे अच्छा लगता है. मतलब जब मैं मेरे लिप्स पे लगाती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिप्स ऐसे प्लम्पी हो रहे हैं. सो दैट्स इट, एंड आई रियली लाइक पैकेजिंग, और बहुत सारे इसमें कलर्स भी अवेलेबल है, तो आप आई थिंक सो कलर्स भी अवेलेबल है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो लिंक से. लास्ट जो प्रोडक्ट है वो कोई ब्यूटी कैटेगरी से नहीं है, दैट इज दिस फुटवेयर. आजकल मैं इतने फुटवेयर्स ले रही हूँ ना, लुक एट दिस फुटवेयर,
और मुझे ये बहुत क्यूट लगे, बहुत ही यूनिक लगे, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कि ये अमेजोन फाइंड्स में भी आते हैं, बिकॉज ऐसे वाले क्वर्की वाले बहुत ही अच्छे वाले मैंने आज तक नहीं देखे थे। मुझे ये काफ़ी न्यू और बहुत अच्छे लगे। लुक एट, यहाँ पे ऐसे वाला इफेक्ट दिया गया है जैसे शूज है और पीछे लाइक वेजेस है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी कम्फर्टेबल है। एंड ये आप एथनिक वेयर पे वेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आजकल ना बहुत सारी ब्राइड्स लहंगे के नीचे स्नीकर्स पहनती है, ये वैसा वाला वाइब देने वाली है। आपके घर में किसी की शादी है या किसी का बर्थडे है या कुछ ऐसे फंक्शन है तो आप यहाँ पे ऐसे ब्लिंगी ब्लिंगी कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आगे भी ब्लिंग है और पीछे भी ब्लिंग है। मैंने ना अभी तक वेयर नहीं किया, आई विल डेफिनेटली वेयर इट। एंड मुझे मतलब जितना भी घर में वेयर किया है देखने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड है, बहुत अच्छा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई। अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वर्की क्वर्की लाइक स्टाइलिश अच्छे लगते हैं फुटवेयर्स तो डेफिनेटली बाय करना। गाइस ये थे सारे प्रोडक्ट्स, बहुत ही अमेजिंग क्यूट एंड क्वर्की वाले प्रोडक्ट्स है जो आपको अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। क्या करना है, नीचे जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, दैट्स ऑल, एंड बाय करना है। प्राइम सेल का बहुत ज्यादा फायदा उठाओ क्योंकि इंडिया बिगेस्ट 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 सेल है। सो बिल्कुल भी आपको रिग्रेट नहीं होगा ये कोई भी चीज लेने के बाद। एंड थैंक मी लेटर, बट थैंक यू मत बोलो यार, बस सब्सक्राइब कर दो एंड चैनल को देखते रहो, मुझे देखते रहो, मुझे देखते रहो। अल्लाह हाफिज़, बाय।